শনিবার মধুপুর থানাধীন কোনাবন জিসিএস ওএনজিসিতে কর্মরত এক টিএসআর জওয়ানের গুলিতে নিহত হয়েছে তার ওই সহকর্মী আরও দুইজন টিএসআর জওয়ান। ঘটনায় অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান সুকান্ত দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শনিবার বিশালগড় থানায় আসেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব সহ এক প্রতিনিধি দল। রাত 11টা পর্যন্ত বিশালগড় থানায় টিএসআর এবং রাজ্য পুলিশের উচ্চস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও বৈঠক চলেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব, আইজিপি জিএস রাও, ডিআইজি সৌমিত্র ধর, সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পাল সহ আরও অনেকেই। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব জানান যে ছুটি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই মার্কা সিং জমাতিয়া এবং কিরণ জমাতিয়াকে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে টিএসআর জওয়ান সুকান্ত দাস। ঘটনার পর দৌড়ে গিয়ে অস্ত্রসহ মধুপুর থানায় আত্মসমর্পণ করেছে অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান সুকান্ত দাস। তাকে গ্রেফতার করে বিশালগড় থানার হেফাজতে পাঠায় মধুপুর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বিশালগড় থানায় ছুটিয়ে আসেন তিনি সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের এই প্রতিনিধি দল। তাছাড়া আগামী দিনে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যেন আর না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য পুলিশ, এই কথা জানিয়েছেন শ্রী যাদব। आज सुबह एक घटना हो गया था, हमारा जीसीएस कोनाबन एक लोकेशन है, उस इंसिडेंट का एक जो अक्यूज हमारा है उससे हम थोड़ा पूछताछ करने के लिए आए। एक्चुअली सर, ये जो घटनाएं हमने पहले भी देखे हैं, आपको लगता है सिस्टम में कुछ गलतियां हैं, अफसरों में कुछ गलतियां हैं, इसके कारण जवानों में प्रेशर बढ़ रही है, इसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही है? नहीं, ये जो 5th बटालियन हमारी जो है, जिसका ये जवान है, ये ONGC की ड्यूटी करती है। ONGC की ड्यूटी में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, लोगों को जो छुट्टी का प्रेशर रहता है, लेकिन इसके केस में हर महीने छुट्टी पे आता है, स्टेशन लीव पे भी आता है, किसी तरह का कोई छुट्टी का प्रेशर नहीं था इसका। लेकिन ये इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे आज ही छुट्टी पे जाना चाहिए, उसके छानबीन कर रहे कि आज ही क्यों जाना चाह रहा था। जवान सर ट्रेंड होते हैं, हम जानते हैं ट्रेंड होते हैं, और जवान के हाथों में जब ऐसी घटनाएं घटती है तब टेंशन तो बढ़ती है सर, इसके कारण क्या है सर? सिस्टम में कुछ गलतियां हैं, हम यही पूछना चाहते हैं, या अफसरों में कुछ गलतियां हैं जिसके कारण साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ रहा है जवानों पे और ऐसी घटनाएं हम देखते पिछले कुछ दिनों में भी ऐसे इंसिडेंट हमने देखा है सर? इंसिडेंट हमारे यहाँ फ्रेटरसाइड का भी रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ है, सुसाइड्स के जरूर हुए हैं और वो केसेस हम लोगों ने एनालाइज किए हैं, उनमें डिप्रेशन उनको मिला है, डिप्रेशन फैमिली के इश्यूज हैं या और कोई इश्यूज हैं, बट वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कारण नहीं था। और हमारी जो लीव पॉलिसी है उसमें हम प्लान करते हैं, तो जो हमारा एनुअल लीव प्लान है उसका लगभग 90% तो जो आदमी जब जाना चाहता है उसके हिसाब से ही उसको छुट्टी मिल जाती है। इलेक्शन हो या कोई और इम्पोर्टेंट काम हो तभी हम थोड़ा डेफर करते हैं, अदरवाइज तो छुट्टी वाला इशू हमारे यहाँ नहीं है। सिस्टम की गलती नहीं, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हम इसका कल हम कमांडेंट्स के साथ सारी मीटिंग भी कराएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि क्या कोई और हम काउंसलिंग स्टार्ट करें या कोई और सिस्टम अपना स्टार्ट करें, ताकि हमारे जो अगर स्ट्रेस किसी को है, परिवार की स्ट्रेस है या काम की स्ट्रेस है, तो उसको दूर किया जा सके। वही सर, आपको लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत है जवानों को, और ऐसा कोई सिस्टम क्या इनबिल्ट है सिस्टम में जो आप फॉलो कर सकते? ऐसा है, आज के समय में स्ट्रेस किसको नहीं है, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत आवश्यक है अगर आपको हेल्दी रहना है, एक नॉर्मल लाइफ जीना है। स्ट्रेस हमारी फोर्स में भी है, स्ट्रेस जनता में भी है, तो हम अपनी फोर्स के लिए हमारे सिस्टम है, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है, बट हम एक उसको रिव्यू कर रहे हैं कि कोई और किसी बाहर की किसी बॉडी के साथ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिल करके हम एक और सिस्टम खड़ा कर पाएँ। जवानों के हाथों जब सब ऐसी इंसिडेंट होती है तो जो नॉर्मल सिटीजन है उनको भी एक टेंशन होती है, क्योंकि जवान मुतायन रहते बाजार में भी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में। आप जो नॉर्मल सिटीजन है त्रिपुरा के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? ये एक स्ट्रे इंसिडेंट है, हमारी ट्रूप्स अगर आप थोड़ा सा देखें तो हर थाने में डिप्लॉयड है, हर डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व में है, लाइन ऑर्डर में है, CIOPS में है, घटनाएं ऐसी कहाँ हुई हैं? ये स्ट्रे इंसिडेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे जनता को परेशान होने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। उल्लेख, টিএসআর এর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের দ্বারা নিম্ন স্তরের কর্মীদের সর্বদাই শোষণের অভিযোগ রয়েছে।
আধিকারিকদের বাড়ির ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে নিত্যদিনের বাজার পর্যন্ত নিম্ন স্তরের কর্মীদের দিয়ে করানোর অভিযোগ উঠেছে বারবার। শনিবার কোনাবন জিসিএস এর ঘটনার পেছনে কি শুধুমাত্র ছুটি সংক্রান্ত ব্যাপারও দায়ী, নাকি এর পেছনে রয়েছে আরো অন্য কোনো রহস্য? এই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে সচেতন মহলে।